हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, उससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, चलते हैं आज की टॉपिक पर। क्या, कैसे आता है क्वेश्चन, किसको कैसे लिखना है। ठीक है, चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, डिफाइन ड्रग इवैल्यूएशन एंड गिव ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। ड्रग का इवैल्यूएट कैसे करेंगे एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है ड्रग इवैल्यूएशन का। ठीक है, इसी तरह भी आपके क्वेश्चन आता है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डेफिनेशन में उसका डिफाइन ड्रग इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिख देना है। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मींस कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी प्यूरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कंफर्म करना आपका क्या क्या, आइडेंटिटी को, प्यूरिटी को एंड क्वालिटी को। ड्रग का आइडेंटिटी प्यूरिटी एंड क्वालिटी को कंफर्म करने को बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, हम क्यों इवैल्यूएशन को जानेंगे, उससे क्या फायदा होगा। कंफर्मेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स एज पर फार्माकोपिया, इसमें आपका क्या फायदा होता है। फार्माकोपिया के हिसाब से आपको कंफर्म मिल जाता है कि ये ड्रग आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स पे है। ठीक है, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ अडल्टरेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग, आपका क्या क्या अडल्ट्रेशन हुआ है, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ है ड्रग में, आपको पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका टू स्टडी वेरियस इन बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ ड्रग्स, कितना कितना ड्रग में कितना बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता है उसके ऊपर स्टडी करने को भी आपको इसमें मिल सकता है। उसके बाद टू स्टडी द डिटोरिएशन ऑफ द ड्रग ड्यू टू स्टोरेज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, खराब हो सकता है, आप स्टोरेज कंडीशन में आपका ड्रग खराब हो सकता है, उसको कैसे बचाना है, उस क्या क्या केमिकल रिएक्शन करना है। ठीक है, उस क्या क्या केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो खराब हो सकता है, उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, ड्रग इवैल्यूएशन का कितने टाइप का मेथड है। ठीक है, ड्रग इवैल्यूएशन का मेनली 5 तरीके का मेथड है। ठीक है, फर्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजिकल व ऑर्गेनोलिप्टिक मेथड, उसके बाद है माइक्रोस्कोपिकल मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। ऑर्गेनोलिप्टिकल मेथड, माइक्रोस्कोपिकल मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, इसके बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आपका हो गया। एक आता है सब टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मिलाकर दोनों को मिलाकर देगा कभी कभी, उसके इसके बारे में भी लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, कितने टाइप का मेथड है ड्रग इवैल्यूएशन का, उसमें से 2 या 3 मेथड आप लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए।
होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग इट। थैंक यू।